वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में किसानों को नाकिस बीज फरोख्त करने का स्कैंडल सामने आ गया। इसी पर बात करने के लिए आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में किसानों को नाकस बीज और गैर मयारी बीज जो है वो फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है, और इस हवाले से मरदान में एक छापा मारा गया जहाँ जिसमें एक गोदाम से नाकस बीज बरामद किया गया है, और न सिर्फ नाकस बीज बरामद किया गया बल्कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में सरकारी जो बैग्स थे जिसमें वो नाकस और आम बीज जो हैं वो पैक करके किसानों को फरोख्त करते थे उसका भी इंकशाफ हुआ है, और साथ में ये कार्रवाई जो है किसानों की शिकायत पर की गई है। किसानों की जानिब से शिकायत आ रही थी महकमे ज़रात की जानिब से, महकमे ज़रात को कि बड़ी तादाद में नाकस बीज जो है वो किसानों को फरोख्त कर किया जा रहा है, और इस हवाले से जो सिक्योरिटी है खाने के सिक्योरिटी है उस पर भी सवाल उठ सकता है। यही वजह है कि महकमे ज़रात की जानिब से कार्रवाई की गई है, और हज़ारों की तादाद में सीड सरकारी सीड इंडस्ट्री के प्रिंट बैग जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं, और इस हवाले से एक महकमे ज़रात को एक मुरासला भी अरसाल किया गया है जिसमें बताया गया है कि डिपार्टमेंट को इस हवाले से आगाह किया गया कि इसमें सहूलतकार की निशानदेही की जाए, और जो सरकारी प्रिंटेड बैग जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं इस हवाले से भी इंक्वायरी की जाए, और जो नाकस बीज फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, आमिर जमील आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।